राजधानी दून में 525 घरों पर चलेगा बुलडोजर, बस कुछ दिन बाकी और फिर कर दिए जाएंगे सभी घर जमींदोज। 30 जून तक अवैध बस्तियों को हटाने के आदेश। नगर निगम की दीवारों पर चस्पाई उन मकानों की लिस्ट है जिसे अवैध चिन्हित किया गया है, इन्हें हटाने के लिए एनजीटी ने निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम देहरादून को 30 जून तक हराल में इन मकानों को खाली कराना होगा। देहरादून की रिपसना नदी किनारे 27 अवैध बस्तियों में 525 मकानों को चिन्हित किया और इन मकानों को हटाने के लिए नोटिस भी चस्पा किए गए। नगर निगम ने सभी को 30 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। खुद अतिक्रमण न हटाने पर नगर निगम बलपूर्वक कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जिन मकानों को अवैध बताया गया है उनकी राहत की बात यह है कि उनके दस्तावेज मांगे गए हैं। अगर दस्तावेज सही साबित होते हैं तो नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनजीटी और हाईकोर्ट ने 2016 के बाद बसी सभी बस्तियों को अवैध ठहराया है, लेकिन सवाल यह है कि जब इन बस्तियों में अवैध तरीके से मकान बने तो नगर निगम कहां था। बता दें कि वैसे तो मलिन बस्तियों में जमीन या मकान की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, लेकिन शहर की तमाम बस्तियों में जमीन व मकान की धड़ल्ले से खरीद फरोख्त की जाती है। 10 रुपए से लेकर 100-100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बस्तियों में नए निर्माण कर बेच दिए गए और नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोया रहता है। फिलहाल एनजीटी की सख्ती के बाद नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा, सरकार ने पहले तो इन बस्तियों को वोट बैंक के लिए बसाया और अब वोट मिलने के बाद बस्तियों को तोड़ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कोर्ट का आदेश है, फैसला है कि पहले तो आप बस्तियां बसाते हैं फिर उनके वोट पाते हैं, सरकार जब बन जाती है तो आप उनको तोड़ने के आदेश देते हैं। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए, अपने जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। इसमें जो है आप बहुत एक कांग्रेस सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी कि मलिन बस्तियों को जो है नियमितकरण किया जाए, जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ना उसमें कोई आपने कार्य किया और उसको ना ही आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं चाहूंगी कि सरकार इसको अभी भी इतना जल्दबाजी में कदम ना उठाए, सोच समझ करके लोगों से जो है इसमें सुझाव ले, उसके बाद ही कोई कदम उठाए। और मैं तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप जो है अचानक किसी को पहले बसाते हैं और फिर उसको बेघर कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के यहाँ शिकायत करने के बाद वहाँ उसकी सुनवाई हुई थी और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि जो इस प्रकार के अतिक्रमण हैं, अवैध रूप से बसे हुए हैं, इनको हटाया जाए। तो इसी प्रक्रिया के तहत अधिकारियों के द्वारा ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और जिसका जवाब कि हाईकोर्ट में 16 मई को इसको देना है। तो मैं समझता हूँ कि इसके संबंध में गंभीर रूप से सरकार विचार कर रही है कि इसको कितना इस पर कार्रवाई करनी है, क्या इसमें किया जाए, तो इस पर अभी विचार किया जा रहा है। ये बात तो सच है कि वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इन बस्तियों को बसाया जाता है। फिलहाल एनजीटी के आदेशों के बाद नगर निगम की टीम एक्शन में है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।